हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, यानी डी ब्लॉक तत्वों के चुंबकीय गुण। ये हमारी फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है। अब डी ब्लॉक तत्वों की यदि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो उससे पहले हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनों की स्पिन के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनों के चक्रण के बारे में। एक इमेजिनेशन करते हैं, हमें कल्पना करते हैं, हम जानते हैं कि सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और न्यूक्लियस के चारों ओर इस टाइप से ऑर्बिट्स होते हैं, ये भी हम लोग जानते हैं। अब हम एक बात अच्छे से जानते हैं कि यहां पर कौन बैठे हुए रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का एक नेचर होता है, ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। साथ में ये इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर भी, ये इलेक्ट्रॉन है ना, तो अपने एक्सिस पे भी क्या करेगा, ये रोटेट होगा। तो इलेक्ट्रॉन में दो प्रकार का मोशन यानी दो प्रकार का चक्रण होता है, एक तो न्यूक्लियस यानी नाभिक के चारों ओर और एक अपने अक्ष पर घूमना। क्लियर है? जिस प्रकार से हम लोग जानते हैं, हम कुछ देर के लिए मान लें कि ये हमारा सन यानी कि सूर्य हो गया और ये हमारी अर्थ यानी कि हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक है। तो पृथ्वी में दो प्रकार का मोशन है, एक तो सूर्य के चारों ओर चक्र लगाती है और एक अपने अक्ष पे भी तो घूमती है। तो जब अपने एक्सिस पे घूमती है तो हम बोलते हैं डे और नाइट हो रहा, दिन और रात हो रहा है। और जब ये इसके चारों ओर घूमती है, सूर्य के चारों ओर, तो 365 दिन का एक सर्कल पूरा करती है। तो इसी प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन भी दो प्रकार का मोशन बताता है। पहले प्रकार का जो मोशन होगा, जो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमेगा, उसको हम बोलते हैं कक्षक चुंबकीय आघूर्ण। नोट कर लो इसको, कक्षक चुंबकीय आघूर्ण, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। और दूसरा, जब ये इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर ही रोटेट होता है, अपने अक्ष पर ही घूमता है, तो इसको बोलते हैं चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। क्या कहते हैं, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण, यानी स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट आप इसको कह सकते हैं। तो यहां पर दो प्रकार का मोशन हम लोगों को दिख रहा है, और इन दो प्रकार के मोशन या दो प्रकार के चक्रण के कारण ही किसी भी एलिमेंट के अंदर या किसी भी सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी चुंबकीय गुण आ जाता है। क्लियर? अब आता है डी ब्लॉक तत्वों के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें टू टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। कितनी प्रकार की? दो प्रकार की। वैसे हम बात करें तो जनरली जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं उसमें पांच प्रकार की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। कितने प्रकार की? पांच। कौन कौन सी होती है, पांचों के नाम लिख लो पहले। तो पहले होते हैं, इसमें आप चाहो तो हेडिंग लिख लेना कि सामान्यतः पदार्थों में पांच प्रकार के चुंबकीय गुण होते हैं। पहला प्रतिचुंबकीय, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते डाय मैग्नेटिक, डाय मैग्नेटिक। दूसरा होता है अनुचुंबकीय, यानी कि पैरा मैग्नेटिक। अगला होता है लोह चुंबकी, यानी फेरोमैग्नेटिक। लोह चुंबकी यानी फेरोमैग्नेटिक। अगला प्रति लोह चुंबकी, एंटी फेरोमैग्नेटिक। और लास्ट होता है फेरी चुंबकीय, यानी कि FERRI फेरो मैग्नेटिक। कुल मिलाकर पांच प्रकार के चुंबकीय गुण किसी भी पदार्थ में हो सकते हैं, यानी इन पांचों में से किसी एक प्रकार का तो होगा ही। क्लियर? अब हम बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की, ठीक है। अब डी ब्लॉक की जो एलिमेंट्स होते हैं वो जनरली तीन टाइप के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताते हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय। अब आप कैसे पहचानोगे, तो हम एक यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट भी पता करते हैं और लिखते हैं। एक फार्मूला लिख लो, फार्मूला है
चुंबकीय आघूर्ण का, यानी न्यू इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कि चुंबकीय आघूर्ण। इंग्लिश में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि चुंबकीय आघूर्ण। इसका फार्मूला लिख लो, फार्मूला इसका एन एन प्लस टू। क्या फार्मूला? एन एन प्लस टू इसका फार्मूला होता है, नोट कर लो। एन क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब बात करते हैं यहां पर डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक को आप कैसे पहचानोगे। तो देखो, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? देखो, नाम से स्पष्ट है, हम लिख रहे हैं डायमैग्नेटिक। डाय का मतलब दो, ठीक है ना? डाय का मतलब दो। उसको भी हम हिंदी में कहें तो क्या कह सकते हैं? हिंदी में भी लिखा हमने प्रतिचुंबकीय। यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी भी डी ऑर्बिटल के अंदर यदि डी जीरो हो, यानी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं हो, या डी टेन हो, यानी उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो? 10 हो। ऐसी स्थिति में वह क्या बताएगा? डायमैग्नेटिक करेक्टर यानी प्रतिचुंबकीय होगा। जबकि डी के अंदर एक से लगाकर 9 तक इलेक्ट्रॉन यदि है, एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है ना, 6, 7, 8, 9 है, तो ऐसी स्थिति में वो पैरामैग्नेटिक यानी कि अनुचुंबकीय होगा। याद रखने का तरीका, ठीक है? अनु का मतलब अयुग्मित, ठीक? तो अनुचुंबकीय यानी कि पैरामैग्नेटिक होगा। या आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो। अब हम एक टेबल बनाएंगे और उसके बेसिस पर हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करेंगे। एक टेबल आप बनाइए मेरे साथ में। यहां पर लिखना आयन, यहां पर लिखा आप लोगों ने आयन, लिखना इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसके बाद अनपेड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि चुंबकीय आघूर्ण। और लास्ट में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, हिंदी में लिखना चाहो तो चुंबकीय गुण। ऐसे एक टेबल बना लो आप लोग। अब आगे चलते हैं। इस टेबल में हम कुछ आयन लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? सबसे पहले हमने यहां पर लिया स्कैंडियम 3+, ठीक? अब आप लोगों को मैं बता दूं जानकारी के लिए कि स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है, 21 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप आउटर में लिखोगे तो 4s2 3d1 होता है। अब आपने यहां पर स्कैंडियम 3+ लिख दिया, मतलब कि तीनों इलेक्ट्रॉन आपने यहां से निकाल दिए, 2 यहां से निकाला, 1 यहां से निकाला, तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? आप डी में 0 हो गए क्या? ठीक है ना, डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 0। क्या कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या? देखो यहां लिखते हम, डी में 0 है तो डी इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, तो आप क्या लिखोगे? अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक। अब आगे चलते हैं। ऐसी कंडीशन में इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका मैग्नेटिक मोमेंट? यानी कि चुंबकीय आघूर्ण इसका 0 हो जाता है। तो लिख लीजिए आप लोग, 0 इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा, 0। और हमने जो फार्मूला भी आप लोगों को बताया था, क्या फार्मूला था? न्यू इक्वल टू एन
एन प्लस टू, ये लिखा था ना फार्मूला, है ना। तो इस फार्मूले के बेसिस पर यदि हम बात करते हैं यहां पर रूट रूट लगा के, तो यदि यहां पर n की वैल्यू जीरो रखोगे तो जीरो आ जाएगा। अभी हमने क्या कहा था कि d0 और d10 में कौन सी प्रॉपर्टी बताएगा, ये डायमैग्नेटिक कहा था ना मैंने, यानी कि प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। चलो अगला लेते हैं, नेक्स्ट है टाइटेनियम 3 प्लस। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 22 होता है। 22 मतलब आउटर मोस्ट में 4s2 3d2, ठीक। अब यहां कितना लिखा है, 3 प्लस, मतलब दो इलेक्ट्रॉन तो आपने यहां से निकाल दिए और एक यहां से निकाल दिया। d में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, आप एक हो गया, ठीक है ना, d में एक इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अनपेयर्ड कितना, एक। अब मैग्नेटिक मोमेंट, इस वैल्यू में यहां पर हम लिखा 1, ठीक है, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस 2। जब इसको आप रूट को सॉल्व करते हो तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.73। क्या आ जाएगी, 1.73। अब हमने क्या कहा था, D1 से लगाकर D9 तक क्या होगा, पैरा मैग्नेटिक होगा, यानी हिंदी में हमने क्या कहा था, अनुचुंबकीय कहा था। तो आप यहां पर लिख सकते हो पैरा मैग्नेटिक यानी कि अनुचुंबकीय। आगे चलते हैं, पहला स्कैंडियम हो गया, नेक्स्ट टाइटेनियम हो गया, आगे अगला। यदि मैं टाइटेनियम 2 प्लस कर दूं, टाइटेनियम 2 प्लस मतलब 4s2 3d2 था, इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया आपने, दो। तो d में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो। अनपेड कितने हो गए, दो। अब यहां पर यदि वैल्यू में रख दूं दो दो, तो इसको सोल्व करोगे न्यू को तो इसकी वैल्यू आती है 2.84, ध्यान रखना। और ये भी क्या हो जाएगा, पैरा मैग्नेटिक, नोट कर लो। अगला, वेनेडियम 2 प्लस, वेनेडियम 2 प्लस, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, वेनेडियम का एटॉमिक नंबर 23, 4s2 3d3। अब आपने 2 प्लस लिखा मतलब दो इलेक्ट्रॉन s से निकाल दिए, क्या लिखोगे यहां पर, 3d3 लिखोगे, ठीक। अनपेड कितने हो गए, तीन। अब यहां पर आपने तीन रखा, यहां पर भी तीन रखा, और इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर आता है 3.87, नोट कर लो इसको, और ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। चलें आगे, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम हो गया, अब आ जाते क्रोमियम 2 प्लस के पास। क्रोमियम 2 प्लस हो जाएगा कितना, 3d4, अनपेड इलेक्ट्रॉन 4, और 4 होने पर वैल्यू होती जाती है, ध्यान रखना, 4.90, क्योंकि यहां पर आप 4 रखो, यहां पर भी 4 रखो, सॉल्व करो, ये हो जाएगा वापस पैरामैग्नेटिक। स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम, अब आगे चलते मैग्नीस के पास। यदि आपने Mn2 प्लस लिख दिया तो 3d5, अनपेड इलेक्ट्रॉन 5, और 5 के लिए वैल्यू नोट कर लो 5.92, क्या हो जाएगा, ये भी पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। चला आगे, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज हो गया, अब आयरन के पास आ रहे हैं। आयरन 2 प्लस 3d6, अनपेड कितना, नहीं देखो, 1 2 3 4 5, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 1 2 3 4 5, और अनपेड कितने हो गए, 4, डी में कितना अनपेड, अनपेड का मतलब उन्होंने पेयर नहीं बनाया, जोड़ा नहीं बनाया हिंदी में कहे तो, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अनपेड 4, 4 के लिए वैल्यू क्या दे रखी है, 4.90, लिख लो, ये वापस पैरा मैग्नेटिक। चलो आगे चलते हैं, कोबाल्ट 2 प्लस 3d
सेवन। अनपेड कितने हो जाएंगे आप? तीन होंगे ना, ठीक है ना। तीन कैसे हुए हैं देखो बता देता हूं मैं, एक दो तीन चार पांच छह और सात, कितन पेड़ हो गए? तीन। अब तीन के लिए वैल्यू क्या है कि नहीं? 3.87। वापस पैरामैग्नेटिक, ठीक है, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट हो गया। अब आते निकल के पास, Ni2+ कॉन्फिगरेशन 3D8, एट में अनपेड दो हो जाएगा ना। अब दो के लिए वैल्यू 2.84, वापस पैरामैग्नेटिक। आगे चलते हैं, कॉपर 2+ 3D9, अनपेड कितना 9 के अंदर? 1। क्लियर? 1 कैसे हुआ यहां बता देता हूं मैं आपको, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ, कितना अनपेड है? एक, है ना। 1 के लिए वैल्यू 1.73, ये भी पैरामैग्नेटिक। आगे चलते आखिरी की तरफ, नेक्स्ट है Zn2+, क्या कहोगे? 3D10, अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं, क्योंकि ये सब पेयर्ड हो गए ना। वैल्यू ये क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक, यानी कि क्या लिख सकते हैं? प्रतिचुंबकीय। अब इस पूरे टेबल में एक निष्कर्ष निकल कर आता है, एक रिजल्ट निकल कर आता है। क्या रिजल्ट निकल कर आ रहा है आपको दिख रहा है? देखो रिजल्ट निकल कर ही आ रहा है कि हाईएस्ट अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। अब आप देखो यहां से इधर जाओ, चार चार, तीन दो एक जीरो, तीन दो एक जीरो, ठीक। यहां पर आए, यहां से वैल्यू इधर की तरफ डाउन हो रही, इधर की तरफ भी डाउन हो रही है ना। तो हाईएस्ट वैल्यू मैग्नेटिक मोमेंट की 5.92 होती है, और हाईएस्ट डी के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 5। तो हमने इस बेसिस पर एक रिजल्ट यहां पर निकाल लिया, क्या? डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का। क्लियर है ना। तो आप इस तरीके से पहचान सकते हो कि अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय है, डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है। क्लियर है ना। तो एक तरीका हम यहां लोगों ने यहां पर देख लिया कि इस तरीके से इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। चलो अब ये तो बात हमारी इसकी होगी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में एक खास बात और आती है, क्या खास बात आती है उसकी तरफ चलते हैं। हमने एक बात बोली अभी फेरोमैग्नेटिक, बोला ना फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक का मतलब जो परमानेंट मैग्नेटों का है, परमानेंट मैग्नेट देखा हमने, स्थायी चुंबक सबने देखा है। जो परमानेंट मैग्नेट होता है वो किससे मिलकर बना होता है? तो इसके लिए आप ध्यान रखना, ये इनसे मिलकर बना होता है। क्या नाम है? फेकोनी। क्या नाम है? फेकोनी। फेकते ना अपन गेंद, तो फेकोनी, आयरन कोबाल्ट निकल, इनसे मिलकर कौन सा बना होता है? इनसे मिलकर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बने होते हैं, यानी परमानेंट मैग्नेट जो होता है, स्थायी चुंबक होता है, वो फेकोनी से मिलकर बना होता है। क्लियर है? तो ये तो हमारी होगी डी ब्लॉक एलिमेंट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। क्लियर। अब इसके बाद में अगली जो क्लास आएगी उसमें कैटलिटिक प्रॉपर्टी और स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी को हम लोग डिस्कस करेंगे।